सिंह और अक्षरा सिंह के दुश्मनी की गाज अगर सबसे ज्यादा किसी पर गिरी तो आम्रपाली और अक्षरा सिंह की दोस्ती पर, एक दूसरे के साथ मिलकर कोई फोटो पोस्ट की हो। इसके पीछे रीजन बताया जा रहा है कि जब अक्षरा को आम्रपाली की जरूरत थी तब आम्रपाली अक्षरा सिंह के साथ खड़ी नहीं थी। और तो और आम्रपाली ने जब मीडिया में बयान भी दिया तो वो भी डिप्लोमेटिक, न वो पवन के साइड ही बोली न वो अक्षरा के साइड ही बोली। इससे ये बताया जाता है कि पवन सिंह को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अक्षरा सिंह इन सब चीजों से काफी हर्ट हुई और उन्होंने आम्रपाली से अब वो रिश्ता नहीं रखा है जो रिश्ता उन्हें रखना चाहिए। भले ही ये बात अब अक्षरा सिंह नहीं कह रही हो, ना ही आम्रपाली कह रही हो, लेकिन कि अक्षरा सिंह और आम्रपाली की दोस्ती में अब वो मिठास नहीं रही जो पहले रहा करती थी। आजकल अक्षरा सिंह की सबसे करीबी यामिनी सिंह हुई है। यामिनी सिंह को आप अरविंद अकेला कल्लू की गर्लफ्रेंड के रूप में भी याद कर सकते हैं। आपको बता दे, यामिनी सिंह अक्षरा सिंह को अपना आइडल मानती हैं, उन्हें अपनी बड़ी दीदी मानती हैं और उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करती हैं। हाल ही में यामिनी और अक्षरा मिली और दोनों ने जमकर बातें की। इस पर अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यामिनी सिंह के लिए बहुत ही इमोशनल पोस्ट भी छोड़ा। अक्षरा सिंह यहाँ ये कहना नहीं भूली कि भले ही हम दो माओं की औलाद हैं, लेकिन कहने भर के लिए उनके और यामिनी में काफी कुछ सिमिलर है। वैसे पवन अक्षरा के विवाद में यामिनी सिंह ने अक्षरा सिंह का भरपूर साथ दिया था। वैसे भी कहा जाता है जब कोई तकलीफ में हमारे साथ खड़ा हो उससे गहरा रिश्ता तो बन ही जाता है। तो अब आप भोजपुरी इंडस्ट्री में यामिनी सिंह और अक्षरा सिंह की नई दोस्ती की मिसाल आगे चलकर देख सकते हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।